हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू व्लॉग में। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम जी। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं और ये है जी हमारा इवनिंग व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताने वाली हूँ। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि दीदी क्या लगाती हो, आपका चेहरा इतना कैसे ग्लो करता है, ऐसे कैसे चमकता है तो वही बताने वाली हूँ कि हमें रात को कितनी बजे सोना चाहिए और सुबह कितनी बजे उठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके अंदर बीमारी हो या ग्लो हो, वो हमारे शरीर के अंदर से ही आता है जी। तो बस वही आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। ये लो जी, हमारा इवनिंग व्लॉग हो या मॉर्निंग व्लॉग हो, चाय के साथ ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बनाने लग गई हूँ जी चाय, और इसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी है। और शाम के बज चुके हैं जी, लगभग 4 और 5 के बीच में ही चाय पीते हैं जी। तो मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं जी, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो अदरक वगैरह तो थोड़ा सा कम ही डालते हैं जी। और इधर मैंने ये दूसरा पतीला ले लिया है, इस पतीले में मैं डालने वाली हूँ जी जो हमारी राबड़ी होती है ना, उसके ऊपर का पानी है वो डाल देती हूँ सबसे पहले। और ये पानी अच्छे से उठ जाएगा ना, ये देखो जी, इसके जो नीचे होता है ना, जो आटा है वो नीचे रह जाता है। और आपको पूरी राबड़ी की रेसिपी देखनी हो तो पीछे मैंने व्लॉग बनाया हुआ है राबड़ी का, तो आप उसमें देख सकते हो जी। तो ये पानी एकदम से गर्म हो जाएगा ना, जिसे आउटना बोलते हैं, उसके बाद में ही नीचे जो आटा होता है वो डालते हैं। इधर हमारा पानी, जो राबड़ी का पानी है वो गर्म हो रहा है, उधर चाय बन रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ में लहसुन छील लेते हैं। कहते हैं ना हाउस वाइफ का पता नहीं जी, एक साथ कितने काम करने पड़ते हैं। और इधर हमारी चाय तो उबल के हो चुकी है जी रेडी, तो मैंने अभी रख दिया है कुकर, और कुकर में बनाना है जी दलिया, क्योंकि हमारे घर में दलिया सुबह शाम रोज़ बनता है जी। क्योंकि दलिया वैसे खाना भी चाहिए, हल्का भोजन होता है, लेकिन हमारे तो पापा जी से थोड़ा सा जाड़ में प्रॉब्लम है, इसलिए खाया नहीं जाता, इसलिए बनाते हैं जी। लेकिन दलिया खाना चाहिए भाई, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए दलिया भी खाना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को वही बात बताने वाली हूँ कि रात को कितनी बजे सोना चाहिए और सुबह कितनी बजे उठना चाहिए जी, क्योंकि हमारी लगभग बीमारियाँ, जो भी ग्लो हो या बीमारी हो, वो शरीर के अंदर से ही आती हैं, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है जी। और बातों ही बातों में हमारी चाय बनके हो चुकी है जी रेडी, आप लोगों को भी पीनी है तो आइए जी, आपका वेलकम है। और इधर हमारा जो राबड़ी का, और ये देखो जी हमारा जो राबड़ी के लिए पानी रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें जो नीचे जो आटा होता है उसको डाल देते हैं जी, क्योंकि वो लास्ट में डालते हैं। और उसको थोड़ी सी देर अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना, जैसे हम कड्डी बनाते हैं ना, सेम बस वैसे के वैसे ही 1-2 मिनट तक उसमें अच्छे से चम्मच से हिलाते रहना, नहीं तो क्या है कि लस्सी होती है, छाछ होती है ना, फट जाती है जी, इसलिए इसको 1-2 मिनट तक हिलाते रहना है, ताकि अच्छे से हमारी राबड़ी है वो पक जाए जी, नहीं तो फटी जाएगी जी। तो हमारी राबड़ी बनके हो बन रही है जी, अभी बनी नहीं है। और इधर हमारा जो दलिया का लिए पानी रखा था वो भी गर्म हो चुका है, तो इसमें भी डाल देते हैं जी दलिया। कहते हैं ना जी हाउस वाइफ की तो लाइफ ऐसी ही होती है, पता नहीं एक साथ कितने काम करने पड़ते हैं, तो साथ साथ में 2-2 काम कर रहे हैं जी, ताकि फटाफट से ही सारे कामकाज हो जाएं, समय और पैसे की बचत जरूरी है जी। गैस भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बचाना भी ज़रूरी है जी। और इधर मैंने इसमें राबड़ी में और दलिए में दोनों में थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि राबड़ी में भी नमक डालते हैं और दलिए में भी नमक डालना ज़रूरी है जी, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर जाता है, नमक होना चाहिए और अच्छे से पकना भी चाहिए ये। और ये देखो जी इधर बज चुके हैं, 7 बज चुके हैं, तो हो चुका है जी दिया बाती का टाइम। तो अभी मैं हमारे देवी देवताओं के करने लग गई हूँ जी पूजा पाठ, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं, तो शाम के टाइम में दिया बाती भी करना चाहिए जी। और इधर मैंने बना ली है जी दाल, और आज बनाई है जी मिक्स दाल, क्योंकि मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई जी काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, नई कुछ भी नई रेसिपी होती है वो ज़रूर आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। दाल की मैंने काफ़ी बार बना चुकी हूँ, इसलिए सोचा कि सभी को पता है जी, क्योंकि दाल तो हमारे सभी घरों में बनती है जी। और इधर मैंने आटा लगा लिया है, और साथ में बनाने लग गई हूँ जी रोटियाँ, क्योंकि
खाने का हो चुका है जी टाइम, और लगभग बज चुके हैं जी आठ बज चुके हैं जी, तो खाने का टाइम हो गया है। फटाफट से गरम गरम रोटियां बन रही है जी, आपको भी खानी है तो आइए जी, आपका वेलकम है हमारे घर में और हमारे व्लॉग में जी। और इधर खाना बनाने के बाद में मैंने थोड़ा सा स्लीप है, गैस पट्टी जो भी है ना, सारे इनको अच्छे से साफ़ करके छोड़ती हूँ। सुबह का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो, रात का जो कभी भी खाना बनाओ, गैस पट्टी और जो हमारा ये गैस होता है, इसको स्लीप को अच्छे से साफ़ करके छोड़ना भी चाहिए जी, क्योंकि उसी टाइम साफ़ करते हैं तो टाइम भी कम लगता है और थोड़ा सा साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है जी, अच्छा भी लगता है। पता नहीं अचानक से कोई भी आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है जी, क्योंकि आटा वगैरह बिखर ही जाता है खाना वाना बनाते हैं तो इधर जी खाना पीना तो हो चुका है और मैं लग चुकी हूँ जी अभी हमारे जो बर्तन हैं इनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तनों का तो काम हो ही जाता है जी, जब भी किचन में जाओ बर्तनों का ढेर लगा ही रहता है जी। तो अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं और अभी बज चुके हैं लगभग 9 बज चुके हैं जी, तो बस 10 बजे सो जाना चाहिए जी, खा पी करके अभी बस नाना बाकी और सारे कामकाज हो चुके हैं, इसलिए फटाफट से बर्तन साफ कर देते हैं जी। लो जी हो गया है खाना पीना और बज चुके हैं 9 बज चुके हैं जी, बस अभी नाना बाकी है जी। और कहते हैं ना इस चेहरे पे आपको चमक लानी है, ग्लो लाना है ना, तो रात को कितनी बजे सोना चाहिए और सुबह जल्दी सोगी तभी तो जल्दी उठ पाओगे जी। तो इस चमकते चेहरे का राज यही है कि थोड़ा सा सोने का ध्यान रखना चाहिए भी। और सोने से चमकते चेहरे का ही नहीं, ये तो चलो जी कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ होता है जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ होता है जी जो नींद है उसकी पूर्ति होना जरूरी है जी, क्योंकि अगर नींद की पूर्ति नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जी। और कहते हैं ना कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सोते ही नींद आ जाती है जी, उनको देखना कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होती है जी, एकदम से हट्टे खट्टे स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। और जिनको थोड़ी सी नींद की तकलीफ होती है उनकी काफी बीमारियां होती हैं जी, इसलिए रात को बस अभी खाना वाना हो गया है 10 बजे सो जाना है, 10 बजे सोते हैं तभी तो सुबह 5 बजे उठते हैं जी। ज्यादा जल्दी भी नहीं उठते हैं क्योंकि अभी बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां और थोड़ा सा खाने वाने की जल्दी नहीं रहती है, और गर्मी में थोड़े से आलसी दिन भी होते हैं, सुबह वैसे आंख तो खुल जाती है लेकिन ऐसे सोचते हैं उठते हैं फिर थोड़े से आलसी दिन हो गए हैं जी, इसलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि समय पे सोने का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, खाना पीना है और सोना वो सभी समय के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए जी, तभी तो हमारी जो डेली रूटीन की कहते हैं ना ये शरीर है ये भी एक मशीन की तरह है जी, और इसमें भी समय पे खाना पीना सोना कहते हैं ना गाड़ी होती है उसमें भी अगर हम ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, तेल वगैरह नहीं डालेंगे तो उसका इंजन है ना वो भी जाम हो जाता है जी टाइम पे, उसकी भी टाइम टाइम पे सर्विस करवानी पड़ती है, वैसे ही हमारा जो शरीर है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या है कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं जी रात को फोन में लगे रहते हैं, पसीना गर्मी बहुत हो रही है जी, पसीना काफी आ रहा है, वैसे पसीना आना अच्छी बात है जी, शरीर की जो भी सारी गंद होती है वो निकल जाती है एकदम से पसीने के साथ ही, आना अच्छी बात है जी, लेकिन देखो जी गर्मी है, गर्मी का सीजन ही चल रहा है, जून का महीना है तो गर्मी तो आनी है जी। और थोड़ा सा कहते हैं ना कि समय पे खाना पीना और सोना वाना हो जाए तो जल्दी तो रात को सोएंगे नहीं, सुबह जल्दी कैसे उठेंगे जी, काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि रात को फोन में लगे रहते हैं जी, नहीं बस रात को फोन वोन कुछ नहीं देखना है, 10 बजे फोन बंद करो और लेट जाओ जी, सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह चाहे 4 बजे उठ जाओ एकदम से फायदा ही फायदा है जी, सुबह जल्दी उठोगे तो एकदम से तरोताजा रहोगे और कामकाज भी जल्दी निपट जाएंगे जी हमारे, क्योंकि बहुत ही आलसी दिन हो रहे हैं इसलिए जी। तो अभी बस यही करेंगे जी अपने ब्लॉग का एंड, बाय बाय, राम राम जी सभी को, थैंक यू जी, राम राम जी।